हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे सी टैट और पी एस टैट के लिए स्मार्ट और इम्पॉर्टेंट नोट्स। इस चैनल पर हम आपको पिछले सालों के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे सी डी पी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ताजो आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और घिसे पिटे क्वेश्चंस से आप बच सकें। इस चैनल पर आपको ईवीएस, मैथ और सोशल साइंस के भी सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सी टैट में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लेकर कोर्ट में याचिका लगी हुई है और इस याचिका में जो नेक्स्ट सुनवाई होनी है वह जुलाई में होनी है। तो इस संबंध में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसका सी टैट की एग्ज़ाम डेट पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें न्यू अपडेट यह है कि इसका सी टैट की एग्ज़ाम डेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 7 जुलाई को ही सी टैट का एग्ज़ाम होगा और जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होना है समय से उसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। सी टैट से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए और सी टैट के इम्पॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब अपडेट समय से आप तक पहुँचाते रहेंगे। 10% आरक्षण को लेकर जो NDTV इंडिया में न्यूज़ आई है उसको हम देख लेते हैं। सी टैट 2019 आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोट्स। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टैट 2019 में 10% आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोट्स भेजा है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को भी नोट्स जारी किया है। कोर्ट ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है, अब इस मामले पर जुलाई में सुनवाई होगी। तो जहां पर कहा गया कि अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई जाएगी क्योंकि यह एक नीतिगत निर्णय है और यह एग्ज़ाम समय से होगा और इस मामले में जो नेक्स्ट सुनवाई है वह जुलाई में होनी है और जैसे ही न्यू अपडेट्स निकल कर आएंगी वह भी हम आप तक पहुँचा देंगे। याचिका में कहा गया कि आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सी टैट परीक्षा का एडमिट कार्ड आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि पिछले वर्ष में देखा जाए तो अमूमन लगभग 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं और इस वर्ष भी आपके एडमिट कार्ड एग्जाम्स के लगभग 10-12 दिन पहले आ जाएंगे और एडमिट कार्ड सी टैट की ऑफिशियल साइट CTAT.NIC.IN पर अवेलेबल हो जाएंगे। सी टैट की परीक्षा को लेकर जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे हम सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और जैसे ही इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सी टैट से रिलेटेड सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू जी।